अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कब से ये रास्ते वगैरह दिखा रहा था, तो आज मैं जा रहा हूँ सक्खर से बाहर। दो सिटी जाना है, एक जाना है खैरपुर, उसके बाद जाना है चूनको। और आज मेरे साथ है मेरा कज़न, इसका नाम है जुनैद, तो आज मैं इसके साथ ही जा रहा हूँ। पहले जाएंगे हम खैरपुर, उसके बाद जाएंगे हम चूनको। क्यों जा रहे हैं ये भी हम आपको वहीं पर चल के फिर बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं। तो अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, उसके बाद जब खैरपुर में पहुंच कर फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा तो इट्स खैरपुर राइट नाउ। यहाँ पर हमें छोटा सा काम था, वो जो हो गया है, और अब हम निकल रहे हैं चूनको की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ लेना था, इसीलिए हमने स्टॉप किया। तो राइट नाउ वी आर लिविंग फॉर चूनको, और फिर अब आपसे मिलते हैं वहीं। मेरे पीछे यार मेरी यूनिवर्सिटी, जो आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले खुली हुई होती थी, तो अब बंद हो गई है, और अब पता भी नहीं है कि कब खुलेगी। Alright, so we are leaving for चूनको, फिर आपसे मिलते हैं चूनको। यार जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था इस सुनसान जगह पर, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कितनी बिल्कुल सुनसान जगह है। ये साइड इधर भी कोई नहीं है, खाली रोड पर। जो ना होना चाहिए था वो हमारे साथ हो कि हमारी गाड़ी हो गई है पंचर, और आए भी बाइक पे थे और ये हो गई है पंचर, और पंचर वाला तकरीबन बहुत दूर है। तो अभी हमें बहुत सारा पैदल सफ़र करना है जब तक हम सिटी पहुँचें। सिटी पहुँच के फिर हम गाड़ी का पंचर लगवाएंगे और फिर अपना सफ़र फिर कंटिन्यू करें। किस्मत में जो अच्छा बुरा होता है वो तो होकर ही रहता है, मगर इस बार शायद हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी यार। और हम पैदल जा रहे थे रास्ते से, तो हमें रास्ते में ये गाड़ी मिल गई। भाई ने गाड़ी रोक दी और हमने अपनी बाइक इस पर चढ़ा ली, और अब हम जा रहे हैं आगे। हमें पंचर वाला मिल जाएगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे पंचर लगवाएंगे बाइक को, और फिर जाएंगे चूनको सिटी। और ये भाई भी हमारे साथ अभी ये मौजूद है। वैसे पहले भी इनके साथ ये एक बार हो चुका है। अच्छा आप बताएं कि जब पहले हुआ था तो फिर आपकी मदद के लिए कौन आया था यहाँ पे? अल्लाह की तरफ से बंदा आ गया था। हाँ यार, ये है अल्लाह हर किसी की मदद के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। अगर ये नहीं आता तो हमें बहुत भारी उठानी पड़ती, पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मदद के लिए आ गया। और हम और हाँ, व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना कि आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखिए आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है यार। बाय द वे यार, एक बात कहना चाहूँगा कि आई एम इन लव विद दिस प्लेस यार। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये जगह देखी है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पाकिस्तान।
स्पेशली दिस इज़ सिंध। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आएँ इस जगह का, मतलब टूर करें, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है। बताया था कि कितने सारे यहाँ पे मतलब पहाड़ थे बहुत अच्छे अच्छे, लाइक अगर आपको फोटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और यू कैन टेक अ वेरी गुड पिक्चर्स और वीडियोज भी बना सकते हैं। तो मुझे ये स्पेशली पर्सनली ये जगह बहुत 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 अच्छी लगी है यार। अच्छा, तो फाइनली यहाँ पे हमें पंचर शॉप मिल गई है, अब हम गाड़ी को पंचर लगवाएंगे और फिर भाई अपना जो सफ़र है वो जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ज़िंदगी में जो छोटी छोटी फारियाँ होती हैं ना, ये इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहती। अच्छा यार, जब हम चूंट को जा रहे थे, जाते वक्त हमने इन बच्चों को देखा था, ये यहाँ पे कुछ सेल कर रहे थे, ये आई थिंक मेरे ख्याल में है क्या बेर वगैरह सेल कर रहे थे। तो हमने सोचा कि वापसी आके इनसे पूछेंगे कि ये असल में है क्या चीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, ये छा है मेरे बुधा होता है आन छा हाँ पटे ही परते बारह ये हमें समझ तो नहीं आ रहा ये क्या है। तो हमने सोचा यार ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं तो इनको वैसे ही मतलब खर्ची करा देते हैं इनको, क्योंकि हमारा दिल तो नहीं मान रहा ये खाने से, अलग क्या पता नहीं क्या है। हम अब वापसी खैरपुर की तरफ जाएंगे, खैरपुर से होकर फिर सीधा हम जाएंगे सक्खर। वापसी में हमने सोचा था कि इन बच्चों से मिलते हुए जाएंगे और इन ये मेरे ख्याल में बेर फेल कर रहे हैं, हम सिंधी में तो बेर बोलते हैं, आप लोग उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। देखने में तो थोड़े अजीब से हैं, लेकिन वो इस वजह से रुके थे कि वो बच्चे थे बहुत गरीब से बच्चे से। तो हमने कहा था कि इनसे जाते हुए पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए और क्या है, क्या चीज़ है, लेकिन लग तो नहीं रहे कि यार वो बेर हैं। पर हम फिर भी घर जाकर इसको ट्राई करेंगे कि यह क्या, खाकर देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कह रहे हैं कि भाई चीज़ है, पहाड़ों से उतरी हुई है। और यानी कि मुझे भाई बता रहे थे कि ये ऊपर पहाड़ों पे मतलब उगते हैं, या फिर ये बच्चे यहाँ पे ऊपर से तोड़ के लाते हैं, फिर यहाँ रोडों पे खड़े होते हैं और सेल करते हैं 10-10, 20-20 रुपए में थैली यहाँ पे। हमने तो गरीब बच्चे देख के यानी कि वो डोनेशन करते हैं। चलो बैठे, चलें ठीक है, निकलते हैं। बाकी यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, अब हम रुकेंगे थोड़ा आगे जाकर पिक्चर। अच्छा तो यार अब यहाँ पे हम रुके हैं, हमने सोचा कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लें और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा खैरपुर जाएंगे। तो अभी हम पिक्चर